सो हेलो गाइज, वंस अगेन वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल शेयर एपी व्लॉग्स। और आज हम लोग थोड़ा निकल रहे हैं लाइटलूम के लिए। तो प्लान जो है बहुत अचानक से बना, तो मैं गया था थोड़ा मम्मी के लिए मेडिसिन लेने। तो रास्ते में जब मैं जा रहा था तब मेरे दिमाग में खपक करके एक आइडिया है, क्यों ना मैं लाइटलूम चलूँ। तो सोचते सोचते मूड बन गया। अब मूड बन गया तो मैं निकल रहा हूँ। वैसे भी कोई काम नहीं है, वैसे आज फ्री था मैं, तो इसलिए अभी मैं डायरेक्ट निकल रहा हूँ। सबसे पहले थोड़ा फ्यूल अप कराऊंगा। और आज मैं लेके जा रहा हूँ टाइम स्पीड 400। इसका एक अच्छा खासा लॉन्ग राइड भी हो जाएगा और एक्सपीरियंस कैसा है वो भी एक साथ बता दूंगा। बाकी अभी लाइट लूम में इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि अभी का टाइम में जाके थोड़ा ज़्यादा मज़ा आएगा, क्योंकि वहाँ पर अच्छा खासा ठंड होगा। गुवाहाटी में भी ठंड है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है कि ऐसा कोई नहीं है कि मतलब गुवाहाटी में ठंड नहीं है। गुवाहाटी में भी ठंड है, बट शिलोंग के ठंड में एक अलग मज़ा है। तो इसलिए मैं अभी, आज जनवरी का हो गया 3 तारीख, तो अभी चलो चलते हैं डायरेक्ट लाइट लूम। हाँ, उससे पहले एक बार फ्यूल अप कराना है और बाकी मुझे थोड़ा कैश भी निकालना था, बट अभी कैश निकला नहीं क्योंकि हर कोई ATM में, कहीं पर सिग्नल नहीं है तो कहीं पर पैसा नहीं है। तो इसलिए सोच रहा हूँ कि एक साथ पेट्रोल पम्प में ही निकाल लूँगा, जीपे से ज़्यादा मार दूंगा अगर भैया हेल्प कर देते वहाँ के, कि मतलब जीपे में लेके कैश दे देते तो अच्छा है, वरना फिर और ATM ढूंढना पड़ेगा मुझे। टर्नल में बढ़िया साउंड आता है, तो यार रेव मार के मजा आता है। भैया मैं आपको 2K सेंड कर रहा हूँ, आप मुझे 700 का तेल भरा दो, बाकी कैश दे पाओगे? 700 का तेल भरा दो, बाकी मैं 2000 दे रहा हूँ, हो जाएगा? हाँ, बाकी केस देना। हाँ हाँ, थैंक यू। तो तेल भराने का काम हो गया खत्म अभी, और भैया ने एक साथ मुझे कैश भी दे दिया, वरना अभी फिर ATM ढूंढना पड़ता, बड़ा झमेला हो जाता। बट थैंक्स टू भैया। वैसे ये क्या बोलते हैं, पेट्रोल पंप वाले ये हेल्प कर देते हैं तो ये चीज़ अच्छा है लोग का। बाकी अभी मैं हूँ 8 माइल में और चलो राइड शुरू करते हैं अभी। अरे आगे सेम, भाई भाई ये ब्लैक वाला भी बहुत सेक्सी लगता है, और इसका जो एग्जॉस्ट है ना, ये जो ट्विन बैरल, इसका आवाज़ बहुत बढ़िया आता है, मतलब ज़्यादा बेसी है इसका आवाज़, ज़्यादा लाउड है इसके कंपैरिजन में। सेम बाइक है, बस उसका हाइट थोड़ा ज़्यादा है और टायर भी अलग है उसमें, वो मोर ओवर एडवेंचर के लिए। और ये आपका डेली कम्यूटर के हिसाब से, डेली कम्यूटर भी नहीं है ये, पावर थोड़ा ज़्यादा है तो माइलेज खाएगा। अगर आपने मेरा पिछला व्लॉग देखा होगा तो आपको पता होगा, बट जो फ्रेम है सब सेम है। आपने डिलीवरी कब लिया इसका, कब लिया डिलीवरी? डिलीवरी टू किटल ओले, हाँ हाँ, किमान पूरी लेट ऑन रोड 310, ঠিক আছে, কোবাত যাই আছে এটা।
अच्छा 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 মল অফ লাইট লুমৰ ফালে যাই আছো, ৰাইট কৰিব, ঠিক আছে। তো ইয়ে ভাই কা কুলেন্ট লিক মার রা থা, তো ইসলিয়ে ইয়ে শায়দ সে সার্ভিস সেন্টার আয়ে থে। ভেসে ইস বাইক মে পাওয়ার বহুত হ্যায়, বাট এসি বাইকো কো থোড়া স্লো চলা কে জাদা মজা আতা, মতলব ক্রুজ করকে বহুত মজা আতা এসি বাইক মে। अब R15 हो गया, उसमें क्रूज करने का मन नहीं करता, वो क्रूज करने के लिए नहीं बना है, उसको सिर्फ फाड़ो, चाहे इंजन छोटा ही क्यों ना हो, बट उसको फाड़ने में मजा आता है। इसको क्रूज करके एक अलग मजा आ रहा है, इसका जो हैंडल है ना वो ब्रॉड है ना, तो मजा आ रहा है, मतलब क्रूज करने में एकदम आराम से कम्फर्टली बस चलते रहो। ऐसी बाइक हो तो कितना भी दूर जाओ कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी R15 में क्या है ना, थोड़ा सोचना पड़ता है दूर जाने से पहले क्योंकि कमर में दर्द उठ जाता है बहुत गंदाला, कमर प्लस अपर बैक, फिर उसके बाद शोल्डर पूरा पेन करता है, क्योंकि आप उसमें पूरा ऐसे एग्रेसिवली बैठते हो ना, तो आपका पूरा वेट हैंडल पे पड़ रहा होता है, और अगर आप वेट नहीं भी डालो, अगर थाई ग्रिप लो, फिर भी कमर में दर्द होगा, मतलब दर्द होना पक्का है। अभी इसमें कुछ पता ही नहीं चल रहा। और अभी बर्नियाट का ब्रिज पार करते हुए मैं शिलांग में जाने का मजा एक अलग है। जैसे बकरी देखो कितनी सुंदर है ये। अब पूरा कॉर्नरिंग ही कॉर्नरिंग, शिलांग में आने का ये एक मजा है। R15 लेके आने में तो और ज़्यादा मज़ा आता है क्योंकि उसमें बढ़िया कॉर्नरिंग जाता है ना, इसमें भी जा रहा है बट वो एग्रेसिव बाइक है तो उसमें ज़्यादा मज़ा आता है कॉर्नरिंग लेने में। एग्रेसिव मतलब सिटिंग पोस्चर का बात कर रहा हूँ मैं, पावर इसका ज़्यादा एग्रेसिव है। ये गाड़ी का जो सस्पेंशन है वो थोड़ा सॉफ्टर साइड पे है, कॉर्नरिंग में शायद से ये उतना स्टेबल नहीं होगा आई गेस, बट अभी तक तो बढ़िया लग ही रहा है। मतलब एकदम शार्प कॉर्नरिंग का मैं बात कर रहा हूँ, अभी इतना कॉर्नरिंग तो सब बाइक लेता है, बाकी मैं इसको ज़्यादा इतना वो नहीं करूँगा, इसके साथ इतना हार्श नहीं बनूंगा मैं, अभी नया बाइक है, क्यों इसके इंजन पर इतना जोर देना, पहले सर्विसिंग चली जाए। बाइक के साथ ओवरटेक करना बहुत इजी है, बाइक का रियर सस्पेंशन जो है ना वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, तो गाड़ी मतलब कई बम्प से जाने के बाद थोड़ा देर जिगल जिगल करते रहती है।
यहाँ पे काम चल रहा है शायद से कुछ, तो इसलिए ट्रैफिक हो रहा था थोड़ा वहाँ पे। यहाँ पे भी कुछ रेनोवेशन का काम ही चल रहा होगा। बाकी वो एक बार नीचे का नज़ारा तो देखो, खाई है खाई। पैराशूट लेके कूदने से शायद से मज़ा आएगा यहाँ पे। अभी पता नहीं कौन से जगह पे हूँ, एज पर गूगल मैप्स चल रहा हूँ, तो ये जगह मैं नहीं पहचानता एकदम, क्योंकि मेरा इधर इतना आना हुआ नहीं है अभी तक। और यहाँ पे ठंड जो है ना, फील हो रहा है अच्छा खासा। ग्लव्स पहनने के बाद भी हाथ पूरा ठंडा फील हो रहा है मेरे को, पूरा एकदम ठंडा वाला चिल वाला हवा है इधर। और मेरे को अच्छा खासा देरी लग गया आते आते, पता नहीं वहाँ पहुँचते पहुँचते कहीं अंधेरा ना हो जाए, मुझे वही टेंशन हो रहा है, हर बार मैं लेट हो जाता हूँ। अगली बार से जल्दी निकलना होगा, कहीं पे भी राइड मारने जाना है, फिर कहीं पे भी जाना है तो। और खुशी की बात ये है, मैं अपने साथ पावर बैंक तो लाया हूँ, पर मैं डेटा केबल नहीं लेके आया। अब पावर बैंक पूरा फुल चार्ज है, पर कोई फ़ायदे का नहीं है, क्योंकि मेरे पास केबल ही नहीं है चार्ज देने के लिए। तो इसलिए मैं गोप्रो बस थोड़ा थोड़ा ऑन कर रहा हूँ, जहाँ जहाँ पे मुझे मतलब कैप्चर करना है। इस जगह का नाम है लाइट कोर, और मुझे नहीं पता है कौन सी जगह, बस साइन बोर्ड में देखा तो सोचा आप लोग को भी बता दूँ। अगर कोई मेरा व्लॉग देख के आ रहा है तो उसको थोड़ा बहुत तो कुछ आइडिया मिलेगा। ठंड है पर यहाँ पे अच्छी खासी ठंड है। मुझे तो अभी टेंशन हो रहा है जाने के टाइम पे कितना ठंड लगेगा मेरे को, क्योंकि अभी इतना ठंड लग रहा है तो आते समय क्या होगा मेरा। सो लाइटलूम यहाँ से और 12 किलोमीटर्स दूर है। बाकी यहाँ के नज़ारे तो देखो, क्या व्यू है। मेरे को तो यहीं पे रुकने का मन कर रहा है अभी, बट नहीं, यहाँ अभी रुकना नहीं है, अभी डायरेक्ट लाइटलूम के लिए निकलना है। बाकी मैं थोड़ा लो साउंड कर रहा हूँ, बिकॉज मेरे को बहुत गंदा वाला ठंड लग रहा है। मतलब मेरे को बाकी कहीं पे ठंड नहीं लग रहा, सिर्फ हाथों में ठंड लग रहा है। ये ग्लव्स से पूरा हवा पास हो रहा है, तो हाथ मतलब ऐसा लग रहा है कि पूरा चुभ रहा है मेरे को। पर यहाँ पे एसी का ही मज़ा है बोला जाए तो, क्योंकि ये सब चीज़ तो तुम्हें गुवाहाटी में फील करने को मिलेगा नहीं, ऐसी ठंडी मिलता था आज से एक अरसा पहले। अभी तो और बस गर्मी ही गर्मी है, सर्दी के टाइम पे तो ऐसा लगता है कि हाँ बस थोड़ा सा ठंड आया है, स्टार्ट हो रहा है, ऐसा लगता है ठंड गिरा ही नहीं कि उससे पहले गर्मी आ गई। और गर्मी के दिन तो बोलो ही मत गुवाहाटी में, एकदम अंडा बॉईल हो जाता है, ऐसा गर्मी पड़ता है आजकल। वाह क्या सीन है, पोल्यूशन का पी भी नहीं इधर, गाड़ी बहुत चल रहा है फिर भी। क्या ग्राउंड है इधर, तो फुटबॉल नहीं तो क्रिकेट खेल के बहुत मजा आएगा। फुटबॉल ग्राउंड है वैसे वो, ऊपर बादल तो देखो
वो सीन देखो। बस और ज्यादा नहीं है, 1-2 किलोमीटर होगा, बाकी धूप बहुत ज्यादा बढ़िया निकला है यहाँ पे, एकदम मजेदार। धूप को देख के मैं भी चार्ज हो गया एकदम जादू की तरह, मतलब तब से इतना ठंडी खा रहा हूँ ना, जुखाम जुखाम जैसा फील आ रहा है। अभी हल्का सा जब धूप गिरा शरीर में तो शरीर में एक अलग सी एनर्जी बाहर आ गई है, अब मजा आ रहा है। कितना बढ़िया व्यू है देखो, पूरा गोल्डन, मतलब पूरा गोल्डन व्यू मिल रहा है एकदम, ऐसा लग रहा है। मैं सोच रहा था कि मैं लेट हो जाऊंगा, बट मुझे ऐसा लग रहा है मैं पूरा परफेक्ट टाइम पे पहुंचा हूं, क्योंकि जो धूप जो निहार के आया है बाहर, तो ये एरिया पूरा हुस्नपुरी जाने जहां तुम सबसे हंसी तुम सबसे जवां ऐसा हो गया जगह। अब बस निर्मा का कॉपीराइट ना आ जाए। हाय लाइटलूम की बकरी, मैं पंगा मत लेना मैं इसे। और यहाँ पे मेरे को पहुँच के हो गए 10-15 मिनट, और अभी धूप भी ख़त्म हो चुका है ऑलमोस्ट। और यहाँ पे पीछे हॉर्स नहीं, गधे का राइडिंग चल रहा है। बाकी जगह बहुत ज़्यादा ही सुंदर है, आप लोगों को भी अगर जगह पसंद आए तो एक बार यहाँ पे विज़िट करो, और पिकनिक बनाने के लिए हो गया है फिर ऐसे टाइम स्पेंड करने के लिए बहुत ज़्यादा ही बढ़िया जगह है। अगर आप लोग कोई नॉर्थ ईस्ट में पहली बार आ रहे हो तो भी ये जगह आप लोग को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। व्यू तो दिखाया आप लोग को कैसा बढ़िया है, आगे एक बार दिखा देता हूँ। पूरा एकदम खुला, पूरा खुला मैदान टाइप है, तो यहाँ पे गाड़ी वाड़ी पार्किंग करने का भी कोई इशू नहीं है। और बाकी लोग यहाँ पे पिकनिक बनाने भी आते रहते हैं, जैसे यहाँ पे कुछ लोग बना रहे हैं अभी पिकनिक। और जगह कैसा लगा आप लोग भी बताओ कमेंट सेक्शन में। बाकी अगर मेरा व्लॉग पसंद आए तो कमेंट शेयर सब्सक्राइब जो भी करना है सब करो, उससे क्या मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहेगा तो मुझे भी अच्छा लगेगा। बाकी फिर मिलेंगे हम लोग नए व्लॉग में, तब तक के लिए आप अपना और अपने फैमिली वालों का और अपने दोस्तों का ख्याल रखो। टेक केयर एंड बाय।